बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने इस साल कौन कौन से सीड्स लगाए हैं और किस तरीके से हम इनको ग्रो कर रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ पे माशाल्लाह से तमाम सीडलिंग्स जो हैं वो रेडी हैं गार्डन में शिफ्ट करने के लिए। तो फुल व्लॉग के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, KSQ गार्डनिंग, जिसमें मैं आपके साथ लाइव वीडियोज़ भी शेयर करती हूँ, गार्डन की अपडेट शेयर करेंगे और आपके साथ ये तमाम टिप्स शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप गार्डन में अपने सब्जियां लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, माशाल्लाह से हमारे तमाम सीडलिंग्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। ये जो प्रोसेस है तकरीबन मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था, ये सब हमने सीड से लगाए हैं और मैंने इस साल घर के अंदर रख के ये देखें ये सीडलिंग्स को रेडी किया है, क्योंकि ग्रीन हाउस में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। तो लास्ट ईयर भी मेरी काफ़ी सारे सीडलिंग ख़राब हो गए थे, तो इस साल मैंने तमाम ही सीडलिंग जो है वो इनसाइड रखे हैं। ये देखिए हमारे किचन की विंडो में और कुछ ये मेरे सिटिंग रूम की विंडो में है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स हैं यहाँ। तो ये देखें, यहाँ पे ये सबसे पहले चिलीज़ की वैरायटी है और इसमें पेपर्स हैं, चिलीज़ हैं, हेलपिनस हैं, डिफरेंट तरह की मैंने चिलीज़ लगाई हैं। अच्छा, लेबल्स जो हैं इनमें से मिसिंग है, क्योंकि बच्चों ने लेबल जो हैं वो निकाल दिए हैं। और यहाँ पे देखिए, ये टमाटो की ट्रेज है, 5 to 6 डिफरेंट वैरायटी के मैंने टमाटोज़ लगाए हैं और ये देखिए कितने बड़े हो गए हैं और इनको अब इंशाल्लाह जल्दी हम बाहर शिफ्ट कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये सारी ये टमाटो की वैरायटी है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारी टमाटो की प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी गार्डन की, आप ज़रूर वो व्लॉग्स चेक करें। तो ये देखिए यहाँ पे ये बॉटल गोर्ड्स के प्लांट हैं, ये भी मैंने सीड से लगाए हैं और इनके सीड्स जो हैं वो मैंने अमेज़न से ऑर्डर किए थे। 2-3 डिफरेंट क्वालिटी के यहाँ पे मेरे पास बॉटल गोर्ड प्लांट्स हैं। और ये देखिए, ये भी बॉटल गोर्ड की क्वालिटी है। इन छोटे पॉट से मैंने करेले का सीड लगाया है लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, और ये भी एक डिफरेंट बॉटल गोर्ड है। ये देखें लेबल सब बच्चों ने निकाल दिए हैं, तो लेकिन चलें जब ये थोड़े बड़े होंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सी क्वालिटी है। और यहाँ पे जो देखें आपको सारे जो नज़र आ रहे हैं, ये है टोमेटो और ये वाला पम्पकिन का प्लांट है। और ये जो बैक पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब ओबरजीन है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीड से लगाए हैं। और यहाँ पर हैं हमारे क्यूकम्बर के प्लांट। तो फुल डिटेल व्लॉग्स आप देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, KSQ गार्डनिंग के नाम से मेरा चैनल है। और अपने इस गार्डनिंग चैनल पे मैं डेली इस्लामिक रिमाइंडर्स भी शेयर करती हूँ और आप सबका रिस्पांस उस पर बहुत ही अच्छा है, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सब इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करें। तो चलें आज का काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जॉब ये है कि टमाटो प्लांट्स को मैंने आउटसाइड शिफ्ट करना है, अभी इसको मैं गार्डन में लगाऊंगी नहीं, लेकिन इनको थोड़ा सा हार्डन करने के लिए हम बाहर गार्डन में रखेंगे। और ओबरजीन्स के प्लांट्स और बॉटल गोर्ड्स के प्लांट्स को मैंने लार्ज पॉट्स में शिफ्ट करना है, अभी इनको मैं तकरीबन कोई 5 इंच के पॉट्स में और कोई 9 इंच के पॉट में शिफ्ट करूँगी। और ये प्लांट्स मैं दोबारा घर के अंदर वापस रखूँगी, क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो है, लेकिन टोमेटो के प्लांट्स बाहर रह सकते हैं। तो चलिए इस काम को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या फिर इसकी प्रोग्रेस है नेक्स्ट। ये देखिए जी, इतने सारे प्लांट्स जो हैं अभी अंदर ही पड़े हैं। आज ये फर्स्ट वीक है कि नाइट टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो इसको मैं अब भाई ये देखिए विंडो सारी कवर की हुई है अभी इन्होंने। और कितने दिनों से मैं सोची थी बाहर लगाऊँ, लेकिन यहाँ पर मिडलैंड्स का टेम्परेचर स्टिल लो था, तो आज जो है ये इरादा है कि ये सब प्लांट्स बाहर लेके जाए जाएँ और मैं लाइव अपडेट में आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो मेरी लाइव को ज़रूर ज्वाइन करें और देखें किस तरीके से प्लांट्स को मैं गार्डन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी, कुछ ये फ्लावर के भी मैंने सीड्स लगाए थे, इनको भी बाहर निकालेंगे और ये विंडो आज हम कंप्लीट क्लियर करेंगे। और यहाँ पर ये लोफा है, ये देखिए इसको कि हम देसी तोरी कहते हैं, ये देखिए छोटा सा ये प्लांट है इसका। चक्रेला के सीड मैंने दोबारा से लगाए थे लेकिन ये फिर नहीं सही रहा, तो ये सारे सीड तकरीबन ख़राब हो गए। मैंने कल चेक किया था, एक भी प्लांट जो है नहीं निकला, तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे सीड्स, तो इसका तजर्बा मेरा अच्छा नहीं रहा।
तो ये बीन्स भी हैं, इनको भी बाहर लेके जाना है। तो आज इंशाल्लाह पूरा इरादा है कि ये सारी विंडो जो है वो हम खाली कर लेंगे। और ये सामने है जी ओबरजीन के प्लांट्स, ये भी माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे हो गए हैं। इनको भी अब लार्जर पॉट्स में लगाऊंगी क्योंकि माशाल्लाह से इनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है। तो आज ये काम करना है, तो लाइव को मेरी ज्वाइन करें, इंशाल्लाह देखेंगे किस तरीके से मैं ये बाहर लगाऊंगी। ये जो ट्रेज है ना, इनको सेपरेट करते हैं कि ये देखिए बॉटल गोर्ड के प्लांट ने इनको होल्ड किया हुआ है, इसको मैं सेपरेट करूँगी और ये बाहर लेके जाएंगे। तो ये देखें इन पॉट्स में मैंने चिली और पेपर के ट्रांसफ़र किए हैं। मैंने पहले भी मेंशन किया था, बच्चों ने जो टैग्स लगाए थे मैंने रिमूव कर दिए। तो अब देखने में तो बाहर ये चिली लग रही है, तो मैंने इनको यहाँ पे तीन को ट्रांसफ़र कर दिया। एक ही सेल में थे तो ये जो भी कुछ है या चिली या पेपर एक ही वैरायटी होगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने चिली लगाई है। और ये देखें ये हमारे चने के प्लांट्स माशाल्लाह से, और यहाँ पे भी एक बॉटल गोर्ड है। अभी ये एक ग्रो बैग पड़ा है, इसमें भी टोमेटो हमने लगाने हैं, इसको भी मूव करना है। तो काफ़ी ज़्यादा काम है गार्डन का, साथ साथ मैं आपको अपडेट देती जा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से कुछ धूप अच्छी थी और बारिशें भी हुई हैं, तो हमारे क्यूकम्बर की थोड़ी सी ग्रोथ बेहतर हो गई है। ये देखिए ये मैंने दोबारा से सीड लगाए थे, क्योंकि पहले जो मैंने क्यूकम्बर के प्लांट्स लगाए थे वो जब मैंने लास्ट पॉट में ट्रांसफ़र किए तो ख़राब हो गए, तो दोबारा से सीड लगाए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे निकल आए हैं, और घर के अंदर भी अभी और सीड्स पड़े हैं, नए सिरे से मुझे लगाने पड़े। और यहाँ से ये देखिए हमारे फूल माशाल्लाह से। एक ये है बॉटल गोर्ड, तो इस फ्रेम के दोनों साइड पे देखें, एक वहाँ पे प्लांट है और एक ये यहाँ पे है। और अगेन ये चिली के प्लांट्स मैंने जो ट्रांसफ़र किए हैं, अभी काफ़ी सारी ये पॉट्स एम्प्टी पड़े हैं, इनमें भी लगाने हैं। और जो अभी तक मैं लगा चुकी हूँ यहाँ पे हैं देखें, अभी इनको मैंने गार्डन को थोड़ा साफ़ करके इनको अपनी जगह पर शिफ्ट करेंगे। अभी ये यहाँ पर छोटी सी जो वॉल है इस पर पड़े हैं, और एक दो दिन में जब सारा गार्डन को हम लोग सेटअप बना लेंगे जहाँ जहाँ वेजिटेबल लगानी है, तो इनको फिर मैं जगह पे रखूँगी और वो भी शेयर करेंगे कि किस तरीके से इस्तीफा हम प्लान कर रहे हैं। तो मेरी चैनल को सपोर्ट करने का शुक्रिया, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना। कुछ प्लांट्स हैं इनको मैंने यहाँ लगाया अभी, क्योंकि बारिशें बहुत तेज़ हो रही हैं, तो इसलिए जो कॉम्पस बैग्स हैं उनको मैंने अभी ये सारा ये देखिए नीचे बिछा दिए। यहाँ पे भी मैंने सॉइल मिक्स किया, उसके ऊपर भी डाल दिया है। अगर आपने मेरी लाइव देखी हो तो मैंने मेंशन किया था कि मैं ये कॉम्पोस्ट को थोड़ा ड्राई करना चाह रही थी क्योंकि बारिश से बहुत ज़्यादा वेट हो गई थी, लेकिन दो दिन से यहाँ पे मज़ीद बारिशें हुई हैं, तो इसलिए फिर मैंने अब जब प्लांट ट्रांसफ़र किए हैं यहाँ पर सॉरी तो यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है कॉम्पोस्ट बैग से। तो अभी फोर प्लांट्स जो हैं ट्रांसफ़र किए हैं, और ये जो सॉइल है इसको मैंने ये ब्लैक बैग से ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कवर किया है, क्योंकि दो तीन दिन से बड़ी तेज़ बारिश हो रही है, और अगर ये सॉइल बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगी तो हो सकता है कि रूट्स जो हैं वो ख़राब हो जाए, फंगस इन्फेक्शन आ जाता है इनमें। तो फ़िलहाल मैंने इनको इस तरीके से लगा के कवर कर दिया है। इस एंड पे एक और प्लांट लगेगा, यहाँ पर ये जो ट्री स्टम्प आपको नज़र आ रहा है इसके करीब अगर मैं लगाऊंगी तो वो सॉइल बहुत ड्राई है, और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रूट्स इसके नीचे भी आ रही हैं, तो एंड में हम कुछ भी नहीं लगा सकते, तो शायद एक या दो और प्लांट्स यहाँ पे और लगें। और साथ ही ये जो फ्रेम है इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ताकि दो और प्लांट्स को वो होल्ड कर सके। और साथ ही यहाँ पर देखें वाइन को मैंने थोड़ा सा भी टाई किया है, लेकिन ये कोई इतना अच्छा तरीके से टाई नहीं हुआ, इसके लिए भी फ्रेम लानी है ताकि उसके ऊपर ये फैले। और ये काफ़ी अच्छा इस्तीफा देखिए ग्रोथ है, काफ़ी ज़्यादा नीचे से जो है ना मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं नई ग्रोथ, ताकि सिर्फ ऊपर ही ये फैले, लेकिन इसको भी प्रॉपरली टाई करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल ये मैंने टाइज लगाई हैं ताकि ये नीचे ना गिरे। तो आज का ये काम है बस, ये देखिए मैंने चार प्लांट्स लगाए हैं। जजाकअल्लाह खैर, थैंक यू फॉर।